हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के बारे में। हमारे इंडिया में सेरोगेसी से रिलेटेड इससे पहले कोई भी एक्ट, रेगुलेशन या फिर रूल्स नहीं थे, लेकिन पिछले साल ही पार्लियामेंट में सेरोगेसी रेगुलेशन बिल पास हुआ, जिसके बाद में 25 जनवरी 2022 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली और ये जो है वो अधिनियम बन गया, जिसे आज हम सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जो है सेरोगेसी से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कौन जो है महिला वो सेरोगेट मदर बन सकती है और कौन सी सिचुएशंस में बन सकती है। इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि कौन से कपल जो है वो सेरोगेसी की हेल्प ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट का जो है वायलेशन करता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है, कितनी उस पर पेनाल्टी इम्पोज करी जा सकती है, ये सभी जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत दिए हुए हैं। आज मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताने वाली हूँ और डिस्कस करने वाली हूँ कि सेरोगेसी क्या होती है। सेरोगेसी का मतलब ये होता है कि द एक्ट डिफाइंस अ सेरोगेसी एज अ प्रैक्टिस वेयर अ वुमन गिव्स अ बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ इंटेंडिंग कपल। भाई उड़ा दो तुम तो ये। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई कपल किसी भी रीजन से की वजह से, चाहे वो इनफर्टिलिटी का रीजन हो या फिर हेल्थ इश्यू की वजह से, जब वो अपना बच्चा करने में असमर्थ होते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में जब वो कोई दूसरी महिला उनके बच्चे को जन्म देती है, तो वो कहलाता है सेरोगेसी। यहाँ पर जो है जो महिला उन कपल्स के बच्चे को जन्म देती है, तो उस महिला को कहा जाता है सेरोगेट मदर। इसे हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में कहते हैं कि किसी महिला की कोख को किराए पर लेना। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कपल किसी भी रीजन की वजह से जब अपना बच्चा नहीं कर पाते हैं, तो जब कोई दूसरी महिला उनकी हेल्प करती है उनके बच्चे को जन्म देने के लिए, तो इसे ही हम सेरोगेसी कहते हैं। सेरोगेसी रेगुलेशन इन इंडिया, यहाँ पर जो है टोटल दो तरीके के रेगुलेशंस दिए हुए हैं इंडिया में। सबसे पहला है एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी, सेकंड है कमर्शियल सेरोगेसी। सबसे पहले समझते हैं कि एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी क्या होता है। इसे हम हिंदी में परोपकार सेरोगेसी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो महिला होती है जब किसी कपल के बिहाफ में उनके बच्चे को जन्म देती है, तो वो उनसे किसी भी पैसों को जो है वो चार्ज नहीं करती। उनके बच्चे को जन्म देने के बदले में वो उन कपल से कुछ भी पैसा नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये परोपकार की भावना के लिए जो है यहाँ पर वो महिला उनके कपल्स के बच्चे को जो है वो जन्म देती है। तो यहाँ पर इस एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी के अंतर्गत वो महिला जो है उन कपल से कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करती है, केवल उस महिला के मेडिकल एक्सपेंसेस जो है उन कपल्स को देने होते हैं। उस जो महिला को ड्यूरिंग 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के दौरान जो भी उसकी दवाइयों का खर्च है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सभी जो है यहाँ पर बेयर करने होते हैं। सेकेंड होता है कमर्शियल सेरोगेसी। इसका मतलब ये होता है कि जब महिला किसी कपल के बच्चे को जन्म देती है, तो यहाँ पर वो जो महिला है उन कपल से कुछ पैसों को चार्ज करती है, कुछ उनसे जो है उस बच्चे को जन्म देने के बदले में उस कपल से कुछ पैसा जो है वो लेती है। यहाँ पर हमारे इंडिया में अभी जो सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आया है, इसके बाद में ये जो एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी है, इसे ही सिर्फ लीगल माना गया है। कमर्शियल सेरोगेसी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है, यानी कि अब इंडिया में कमर्शियल सेरोगेसी पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। इसके पीछे जो है बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इंडिया में अदर कंट्रीज से यदि कंपेयर किया जाए, तो जो सेरोगेसी की जो कॉस्ट है यहाँ पर वो बहुत ही कम है। इसी वजह से जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और यहाँ पर सिर्फ सेरोगेसी के पर्पस से आकर वो जो है वो सेरोगेट मदर की हेल्प लेकर के अपने बच्चे को जन्म देते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, तो इसी वजह से जो यहाँ पर ये जो कमर्शियल सेरोगेसी है, इसे इस एक्ट के बाद में जो है यहाँ पर बैन कर दिया गया है, इसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि सेरोगेट मदर की क्या जो है कंडीशंस दी हुई हैं, कि सेरोगेट मदर की कब जो है कपल हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो है कब कोई महिला जो है वो सेरोगेट मदर बन सकती है। यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत जो है कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले वाले जो 4 है ये बात करते हैं कि सेरोगेट जो है मदर की कब हेल्प ली जा सकती है किसी कपल के द्वारा। जिसके अंतर्गत सबसे पहली कंडीशन ये लिखी हुई है कि जब कोई कपल प्रूवन इनफर्टिलिटी हो, यानी कि किसी भी कपल की जो है यहाँ पर इनफर्टिलिटी रीजन की वजह से वो फ्यूचर में कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते, कभी भी जो है वो उनके थ्रू
बच्चा नहीं आ सकता है या फिर जो है किसी भी हेल्थ इश्यू की वजह से फ्यूचर में वो जो है माँ बाप नहीं बन सकते हैं, उस स्थिति में वो सरोगेट मदर की हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर यह है कि जो कपल जो होने चाहिए वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इसके साथ ही जो है उनकी शादी को मिनिमम 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका हो, यानी कि यहाँ पर जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है किसी भी फॉरेन कपल को इंडियन से जो है वो सरोगेट मदर की हेल्प लेने के लिए। यहाँ पर केवल जो है इंडियन कपल्स ही किसी भी सरोगेट मदर की हेल्प ले सकते हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, और साथ ही साथ जो है उन कपल्स की जो शादी है वो मिनिमम 5 साल से ज्यादा का समय उनमें हो चुका हो, और साथ ही साथ जो है प्रूवन इनफर्टिलिटी का रीजन होना चाहिए कि वो फ्यूचर में कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। इसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो सरोगेट मदर की हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही जो कपल्स भी हैं उनकी जो एज होनी चाहिए उसमें महिला की एज होनी चाहिए 25 से 50 साल तक की, और जो मेल होना चाहिए उसकी एज जो है 25 से लेकर के 55 साल तक के बीच में होनी चाहिए। यदि कोई कपल की एज इनके बीच में होती है यदि 25 से 50 साल और 25 से लेकर के 55 साल तक के बीच में, तभी वो जो है वो सरोगेट मदर की हेल्प ले सकते हैं सरोगेसी के लिए। अब यहाँ पर जो चार ये जो नीचे की कंडीशन दी हुई है ये दी हुई है सरोगेट मदर की, कि कब कोई महिला सरोगेट मदर बन सकती है और किन सिचुएशंस में वो जो है वो सरोगेसी वो जो है किसी कपल के लिए सरोगेट मदर का काम कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द सरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ, मतलब कि कोई भी महिला जो है वो सरोगेट केवल अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान एक ही बार बन सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पहले उसने एक कपल के लिए किसी सरोगेट उनके सरोगेसी को जन्म दिया उसके बाद में वो दूसरे किसी कपल के लिए जो है वो बच्चे को जन्म देती है, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल सरोगेट मदर अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार जो है वो सरोगेट मदर बन सकती है। सेकेंड ये दिया हुआ है कि उसका जो है कुछ भी मेडिकल इनफिट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो उसके प्रॉपर सर्टिफिकेट होने चाहिए कि वो महिला जो है वो मेंटली प्लस फिजिकली फिट है। यदि कोई महिला इल होती है किसी भी रीजन की वजह से, यदि उसको कुछ मेंटली इश्यू होता है या फिर कुछ फिजिकल इश्यू होता है, तो उस सिचुएशन में वो महिला जो है सरोगेट मदर नहीं बन सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो कपल्स होते हैं उनकी जो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए सरोगेट मदर, यानी कि जो सरोगेट मदर होती होनी चाहिए वो उन कपल्स की रिलेटिव ही होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है जिसके अंतर्गत यही था कि कमर्शियल सरोगेसी में जो सरोगेट मदर होती थी वो उन कपल्स की जान पहचान में नहीं होती थी, वो उसको जानते नहीं थे। तो यहाँ पर जब कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया है तो उसके बाद में अब जो सरोगेसी करी जा सकती है, सरोगेट मदर हो सकती है, वो केवल उनकी क्लोज रिलेटिव ही हो सकती है। नेक्स्ट ये है कि जो मैरिड वुमन होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है उसका पहले से एक बच्चा होना चाहिए, यानी कि जो सरोगेट मदर है वो जो है मैरिड होनी चाहिए, कोई भी अनमैरिड लड़की जो है वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती है, यहाँ पर जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसके साथ ही उस महिला का जो है पहले से एक बच्चा होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो पहले से मदर होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो सरोगेट मदर बन सकती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत। ओके, नेक्स्ट अपन समझेंगे कि नेशनल और स्टेट सरोगेसी बोर्ड क्या है। यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड और स्टेट लेवल पर स्टेट सरोगेसी बोर्ड की स्थापना करी जाएगी, जिसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि किसी भी नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर किसी भी सरोगेट मदर का जो है शोषण तो नहीं हो रहा, उसका जो है इलीगल यूज तो नहीं किया जा रहा, उसे जो है प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन कपल के थ्रू या फिर नहीं किए जा रहे हैं, या फिर जो है उस बच्चे को ऐसे अबेंडन तो नहीं करा जा रहा है। ये सभी जो है रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर जो है नेशनल और स्टेट सरोगेसी बोर्ड की यहाँ पर ड्यूटी जो है करी गई है कि ये दोनों जो है वो देखेंगे कि किसी भी महिला का यहाँ पर शोषण तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अपन समझेंगे कि प्रोहिबिटेड यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो है किन किन लोगों को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है सरोगेट मदर की हेल्प लेने के लिए या फिर सरोगेसी की हेल्प लेने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है फॉरेन कपल, यानी कि कोई भी जो है फॉरेन कपल इंडिया में आकर के सिर्फ सरोगेसी के पर्पस से सरोगेट मदर की हेल्प नहीं ले सकता, यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब यदि कोई कपल फॉरेन कपल यदि इंडिया में आता है सिर्फ सरोगेसी के पर्पस के लिए, तो यहाँ पर जो है उन पर पेनाल्टी इम्पोज करी जा सकती है, उन पर जो है फाइन लगाया जा सकता है, साथ ही साथ जो है उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर केवल इंडियन कपल्स ही जो है वो अलाउ है इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि किसी भी जो है सरोगेट मदर की हेल्प लेकर के जो है वो अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं।
सेकंड ये है कि कोई भी अनमैरिड कपल, यदि कोई अनमैरिड कपल जो है अपने बच्चे को सैरोगेसी के थ्रू लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है उन्हें भी प्रोहिबिट किया गया है। इसके साथ ही गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर को भी इस एक्ट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है, ये भी जो है प्रोहिबिटेड है यहाँ पर। यदि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और फिर वो बच्चा चाह रहे हैं सैरोगेसी के थ्रू, तो यहाँ पर उन्हें भी जो है प्रोहिबिट किया गया है, वो भी यहाँ पर इसका इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो सैरोगेसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। अब यदि कोई मेल है, चाहे वो डिवोर्सी हो या फिर नॉन डिवोर्सी हो, यदि वो सैरोगेसी के थ्रू किसी अपने बच्चे को जो है वो जन्म देना चाहता है, तो यहाँ पर उसे भी जो है प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, वो भी जो है नहीं सैरोगेसी की हेल्प नहीं ले सकता है। लास्ट है एडवर्टीजमेंट कि यदि कोई सैरोगेसी सेंटर है, सैरोगेसी सेंटर बनाया गया है, तो सैरोगेसी सेंटर का जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस सैरोगेसी सर्विस, ये जो है वो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। यदि वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो है स्टेट और नेशनल सैरोगेसी बोर्ड जो है वो यही चेक करेगी कि यदि कोई सेंटर ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट करता है, तो उन्हें जो है इस एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर ऑफेंस के लिए जो है वो उन्हें पेनाल्टी और साथ ही साथ जो है वो जेल के प्रोविजंस करे गए हैं। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर दिस एक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे इंडिया में सैरोगेसी के जो चार्जेस थे, सैरोगेसी के जो सर्विस लेने के लिए जो पैसा यहाँ पर चार्ज किया जाता था, वो अदर कंट्रीज से बहुत ही कम था, यहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते थे और इस सैरोगेसी की हेल्प से जो है वो अपने बच्चे को जन्म दे करके वो फिर चले जाते थे। तो यहाँ पर जो है वो इलीगल यूज हो रहा था महिलाओं का, जिसकी वजह से इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। इसके साथ ही हुआ ये कि जब को बहुत सारे कपल्स ने ऐसा भी किया था कि किसी भी सैरोगेसी की हेल्प लेकर के अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो वो महिला उनको 9 महीने के बाद में उनका बच्चा जब डिलीवर करती थी, यानी कि सैरोगेट मदर, तो उसे जो है कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते थे, या फिर उसकी जो है हेल्थ को बिल्कुल साइड में रख करके उन्हें जो है कहा जाता था कि सिर्फ हमारे बच्चा ही चाहिए। तो ऐसा जो है महिलाओं को यहाँ पर बहुत ज्यादा शोषण होने लग गया था, जिसके बाद में जो है इस एक्ट की जरूरत पड़ी। इसके साथ ही यहाँ पर हुआ ये था कि बहुत सारे कपल्स ने ऐसा भी किया था कि जो है सैरोगेसी की हेल्प लेकर के अपने बच्चे को जन्म तो दिलवा दिया, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो उस वक्त जो है वो उसे छोड़ करके चले गए थे, अपने बच्चे को भी नहीं लेकर गए थे, जिसके बाद में उस बच्चे को जन्म देने के बाद में हुआ ये था कि जो सैरोगेट मदर थी उन्हें ही जो है उनके पालन पोषण का खर्चा उठाना पड़ा था। ये सारे रीजन की वजह से ही जो है पार्लियामेंट में इस बिल को पास किया गया, जिसके बाद में सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो है वो आया था। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं कि ऑफेंसेस और पेनाल्टीज क्या हैं, कि यदि कोई व्यक्ति इस सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट का वॉयलेशन करता है, यहाँ पर जो अपराध कमिट करता है, तो उसे कोर्ट कितने महीने की जो है सजा दे सकता है, कितने साल की सजा दे सकता है, या फिर कितनी जो है पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। यदि कोई कपल किसी भी बच्चे को यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ सैरोगेसी सेंटर का जो है एडवर्टीजमेंट करते हुए पकड़ा जाता है, या फिर ऐसा जो है बैनर लगाते हुए पकड़ा जाता है कि भाई हम यहाँ पर जो है ऐसा कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके थ्रू आप जो है सैरोगेसी की हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ किसी भी तरीके से यदि वो एडवर्टीजमेंट करता है, तो यहाँ पर जो है इस एक्ट के अंतर्गत ये एक अपराध होता है। इसके साथ ही यदि कोई सैरोगेट मदर को एक्सप्लॉइट करता है, उसका जो है शोषण करता है, उससे उसे जो है मारपीट करता है, या उसे उसकी जो है हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको नहीं देता है, तो ये भी इस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। अब यदि बच्चा होने के बाद में यदि वो कपल उस बच्चे को अबेंडन कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, उसके साथ में कुछ भी एक्सप्लॉइट करते हैं उस बच्चे को, या फिर उसे जो है डिसोइंग करते हैं उस सैरोगेट चाइल्ड को, तो यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत ये जो सभी है वो अपराध माने गए हैं। इन सभी के लिए जो यहाँ पर इन्हें जो पनिशमेंट दी जा सकती है, वो यहाँ पर कोर्ट उन्हें 5 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, इसके साथ ही साथ जो है उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर दोबारा पकड़ा जाता है ऐसा अपराध करते हुए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उन्हें जो है वो 10 साल तक की सजा दे सकता है, इसके साथ ही जो है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 क्या है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि सैरोगेसी क्या होती है। इसके साथ ही जो है सैरोगेसी रेगुलेशंस बताए मैंने, यहाँ पर 2 तरीके के हैं। इंडिया में जो है कमर्शियल को अभी स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है, इसे जो है बैन कर दिया गया है। अभी सिर्फ एल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी ही है, यानी कि परोपकारी सैरोगेसी ही अभी जो है वैलिड मानी गई है और इसे ही लीगल माना गया है।
नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ा था कि इसके अंदर का जो है सरोगेट मदर कब कौन से सिचुएशन में बन सकती है, उसकी जो है यहाँ पर चार कंडीशंस दी हुई है। और यहाँ पर ये भी पढ़ा कि सरोगेट मदर की हेल्प कब जो है वो कपल ले सकता है, यहाँ पर भी मैंने आपको चार कंडीशंस बताई हैं। इसके साथ ही मैंने ये भी डिस्कस किया कि नेशनल और स्टेट सरोगेसी बोर्ड का काम क्या होता है, कि जो है इन्हें कौन से लेवल पर जो है गठित किया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन जो है प्रोहिबिट है, कौन से कपल जो है वो सरोगेसी की हेल्प ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। इसके साथ ही मैंने ये भी डिस्कस किया कि इस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई अपराध कमिट करता है, कोई भी इस रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन करता है, तो उसे जो है कितने क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, क्या पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है, तो उसे 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट जो है उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है, और यदि वो दोबारा पकड़े जाते हैं ऐसा करते हुए तो उस स्थिति में उन पर जो है 10 साल तक की जो है सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जो है 10 लाख रुपए तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।